नमस्कार, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद और लगातार 10 सालों से नंबर वन न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं सोना दहिया। प्रदेश के हर जिले की खबर आप तक पहुंचाने वाले हमारे खास बुलेटिन 22 जिले 22। ये कहना है कृषि मंत्री जेपी दलाल गुर्जर का सबसे पहले बात करेंगे अंबाला की। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने न सिर्फ प्रियंका गांधी के ट्वीट बल्कि खनन पर विपक्ष के वार पर भी जमकर पलटवार किया है। प्रियंका गांधी द्वारा ट्वीट कर सरकार से वादों का हिसाब मांगे जाने पर गृह मंत्री अनिल विज ने पलटवार किया। अनिल विज ने कहा कि प्रियंका गांधी अगर अखबार नहीं पढ़ती और टीवी नहीं देखती तो इसका इलाज उनके पास नहीं है। बात ये है सुरजेवाला जी, जिस माहौल में जन्मे पले और बड़े हुए हैं वहाँ पर भ्रष्टाचार के अलावा और कुछ नजर नहीं आता था, तो उनकी तो वही दुनिया है, वो उसके अलावा कुछ नहीं समझ सकते, इसलिए वो इस प्रकार की बातें करते हैं। कुमारी शैलजा के अवैध खनन को लेकर सरकार के घेरने पर अनिल विज ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अवैध माइनिंग के लिए एसटीएफ बनाई गई है और प्रदेश में किसी भी तरह की अवैध माइनिंग की इजाजत नहीं है। अंबाला से अमन कपूर, इंडिया न्यूज हरियाणा। पूर्व सांसद प्रियंका गांधी जी अगर पूर्व सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने धन्यवाद दौरे की शुरुआत की सोनीपत के खरखोदा। इस दौरान उन्होंने सरकार पर भी जमकर निशाना। मंत्री और विधायक जहां लगातार जनता के बीच पहुंच कर वहां समान विकास सोनीपत के खरखोदा से पूर्व सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने धन्यवाद दौरे की शुरुआत की। पहले चरण में दीपेंद्र हुड्डा जीते हुए हलकों में जाएंगे और दूसरे चरण में हारे हुए हलकों का दौरा कर लोगों का धन्यवाद करेंगे। इस मौके पर दीपेंद्र हुड्डा सरकार पर जमकर निशाना साधते नजर आए। खनन को लेकर सरकार को जहां आड़े हाथ लिया तो वहीं जीडीपी को लेकर भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि जीडीपी पर कांग्रेस ने जो आंकड़े पेश किए हैं वो भारत सरकार और वित्त मंत्रालय के ही बीजेपी ने के ये आंकड़े हैं, ये भारत सरकार के आंकड़े हैं, ये कोई आंकड़े कोई हमने नहीं दिए, ये भारत सरकार वित्त मंत्रालय ने आंकड़े दिए हैं, वित्त मंत्री ने आंकड़े दिए हैं निर्मला सीतारमण ने, तो हम उन बात को आंकड़ों पर विश्वास करें कि ना करें ये वो बताएं। दीपेंद्र हुड्डा चुनाव के बाद एक बार फिर से क्षेत्र में निकल चुके हैं जिसमें सरकार की नाकामियों को उजागर करने की बात भी वो कहते नजर आ रहे हैं। सोनीपत से सन्नी मलिक, इंडिया न्यूज हरियाणा। और कृषि मंत्री जेपी दलाल ने लोहारू के पातवान गांव जाकर ओलावृष्टि प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया है, लोगों की समस्याएं भी सुनी। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से नुकसान हुए फसलों के पाई पाई का मुआवजा दिया जाएगा। कृषि मंत्री जेपी दलाल का कहना है कि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाला नुकसान सरकार का है जिसकी भरपाई भी सरकार ही करेगी। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने लोहारू के पातवान गांव का दौरा कर ओलावृष्टि प्रभावित इलाकों का निरीक्षण भी किया। पातवान गांव के जो सरसों के खेत का निरीक्षण किया है, इसमें काफी नुकसान दिखाई देता है और अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि वो इसकी गिरदावरी स्पेशल करवा के सरकार से अपनी जो परमिशन लेके इनके मुआवजे का जो केस बने बढ़ा के भेज दे सरकार को, सरकार जो इनको कंपनसेशन देगी। इस दौरान कृषि मंत्री ने लोगों की समस्याएं भी सुनी और उनके समाधान का अधिकारियों को मौके पर निर्देश भी दिए। लोहारू से रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। और अब बात करेंगे छछरौली की। कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर के लिए नागरिक अभिनंदन समारोह आयोजित किया है। मनोहर सरकार के मंत्री पूरी तरह से एक्शन में हैं और लगातार अलग अलग इलाकों का दौरा कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर यमुनानगर पहुंचे जहां उन्होंने सरकार के पिछले कार्यकाल की तारीफ करते हुए कहा कि पिछले 5 सालों में जगाधरी विधानसभा में करोड़ों रुपए के विकास कार्य करवाए गए हैं और विकास के नारे के साथ ही हम सत्ता में आए थे। जिम्मेदारी को अगर हमने पूरी तरीके से हमने लागू करना है, उसको काम करना। विधायक और हरियाणा वेयरहाउस के चेयरमैन जयपाल रावत ने कहा कि जो भी अधिकारी पंचायतों और सरपंचों के विकास कार्यों को करवाने में रुकावट बनेगा उसको यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा। जो भी अधिकारी पंचायतों और सरपंचों के विकास कार्यों को मनोहर सरकार बनेगा उसको यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने पहले भी भ्रष्टाचार का निहारा है और अब भी लोगों को भ्रष्टाचार। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा।
और अब बात करेंगे कैथल की। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ठांडा ने कई गांवों का दौरा किया है। कैथल में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ठांडा ने कई गांवों का दौरा किया और लोगों की समस्याएं सुनी। राज्य मंत्री ठांडा ने इस मौके पर कई जनसभाओं को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरे दौरे के दौरान जिस जिस गांव में जहां पर भी जनता की समस्याएं मेरे सामने आएंगी, मैं उन समस्याओं को सीएम तक पहुँचाऊंगी और उन्हें दूर करने के लिए काम किया जाएगा मिलेगा। कुछ अधिकारी मेरा हल्का क्लाथ पिछड़ा वाल का है, काफी सालों से विपक्ष के नाम देखी हुई पंचायत मैंने पहले भी कहा और अब भी कह रही मेरा हल्का क्लाथ मेरा अधिकारी को जो दिक्कत होगी जो परेशानी होगी मेरी परेशानी है, तो मैं अधिकारियों से यही कहूंगी भी बड़ी ईमानदारी से और लगन के साथ जो भी कार्य आपके पास आए उसको करने का काम करें। मंत्री और विधायक लगातार जनता के घर पहुंचकर वहां समान विकास का दावा कर रही हैं। उम्मीद है कि ये दावे हकीकत में तब्दील होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और बल्लभगढ़ में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने लोगों की समस्याएं, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने पहले भी भ्रष्टाचार दुरुस्त रखने की हिदायत। इसमें प्रियंका पर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का ध्येय पहले कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा से विधायक और हरियाणा वेयरहाउस के चेयरमैन नयनपाल रावत ने कहा कि जो भी अधिकारी पंचायतों और सरपंचों में विकास कार्यों को करवाने में रुकावट बनेगा उसको यहाँ रहने में परेशानी ना हो। पार्षदों से कहा है अपनी जिम्मेदारी माने, जब मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई तो अपनी जिम्मेदारी को पार्षद अपनी जिम्मेदारी लगा गए। कोई लोग सड़क की, सीवर की, सफाई की, अगर विधायक ही कराता रहेगा तो पार्षद क्या करेंगे, ये भी जिम्मेदारी माने। और जो मुख्यमंत्री थे उनके वार्ड के विकास के पैसा लाने का हम काम करेंगे, अभी जिम्मेदारी जो है सारे भाई। उन्होंने कहा कि उनकी जिम्मेदारी चंडीगढ़ से विकास के लिए पैसा लाने की है, तो पार्षदों की जिम्मेदारी बल्लभगढ़ विधानसभा के कार्यों को देखने की है। बल्लभगढ़ से जोगेंद्र रावत, इंडिया न्यूज, हरियाणा। जो भी अधिकारी पंचायतों और सरपंचों के विकास कार्यों को रुकावट बनेगा उसको यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने पहले भी भ्रष्टाचार के पिछड़ा गाँव में भ्रष्टाचार का फांसी नहीं मिलेगा, घर में फांसी का फंदा लगा। कुछ अधिकारी दंपति के शव कमरे में एक ही रस्सी से लटके हुए मिले, मामले की सूचना पुलिस को दी। उनका नाम पंचायतों से मिला है, सरपंचों से मिला है और ऐसे किसी भी अधिकारी को, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का ध्येय पहले भी भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का और आज भी भ्रष्टाचार किया है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, और अब इनका पोस्टमार्टम करवा दिया गया है। तो कहाँ मिले हैं ये? घर पे, इनके घर में, अपने घर के जो भी अंदर वाले से लाश वाले कमरे में सुसाइड कमिट किया है रस्सी से। हाँ, रस्सी से। घटना के पीछे कारण क्या रहा इस बात का अभी तक पूरी तरह से खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन पुलिस की माने तो बुजुर्ग किसान दंपति अपने बेटे से परेशान था और इसी के चलते उन्होंने कदम उठाया है। झज्जर से धर्मेंद्र गुलिया, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और वहीं नूह में एक युवक ने बदनामी के डर से आत्महत्या कर ली। मृतक के पास से सुसाइड नोट मिला है जिसमें उसने चार लोगों पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है। नू में एक युवक के बदनामी के डर से आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक मृतक युवक 2012 में एक मेडिकल कॉलेज में बतौर सिक्योरिटी गार्ड काम करता था और उसी दौरान कुछ सिक्योरिटी गार्ड और वार्ड बॉय ने उसके साथ कुकर्म कर वीडियो बना ली और उसे पैसों के लिए ब्लैकमेल करने लगे। मृतक की जेब से एक सुसाइड नोट मिला जिसमें उसने चार लोगों पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है। देखिए, कैलाश सनोप पवन कुमार शर्मा के नाम से हमें एप्लीकेशन दिए थे, उसका भाई है राजकुमार सनोप पवन कुमार, जो कि SIS एक कंपनी है उसकी सिक्योरिटी की, उसमें कार्य करता था। तो उसके संबंध में उसने कोई कल उसको बीमार हुआ, तबीयत खराब होने पर उसकी हॉस्पिटल नल्लड़ में मौत हो गई है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और कार्रवाई जारी। पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ा जाएगा। नू से कासिम खान, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और शिक्षा मंत्री कंवर और डोहाना के दीवाना गांव में बारिश से कमजोर हुई दीवार गिरने से एक शख्स की मौत, बिना किसी भेदभाव के समान करवाए। डोहाना के दीवाना गांव में बारिश से कमजोर हुई दीवार के गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। मृतक परिवार में अकेला ही कमाने वाला था। ग्रामीणों ने बताया कि मृतक जोगिंदर के पिता और भाई भी लाचार हैं, इसलिए पूरे परिवार का बोझ जोगिंदर सिंह पर ही था।
ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਇੱਧਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗਿੱਲੀ ਕੰਧ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਸ ਉੱਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਕੰਧ ਡਿੱਗ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਜਾ ਸਾਰਾ ਦੋਹਰਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਲੈਂਟਰ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬਸ ਇੰਨੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਗਰਦਨ ਸੱਟ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਸ ਪੜੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੰਮਤ ਕਰਾਈ ਪਰ ਉਹ ਬਸ ਕਹਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਸੀ ग्रामीणों ने सरकार से पीड़ित परिवार के लिए मदद की गुहार लगाई है चौहाना से सुशील कुमार इंडिया न्यूज हरियाणा 22 जिलों का सफर आगे बढ़ाएंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद स्वागत है आपका खबरों में आगे बढ़ेंगे रुक करेंगे पंचकुला से खबर का एक बुजुर्ग से लाखों की ठगी का मामला सामने आया है पंचकुला में 74 वर्षीय एक बुजुर्ग से जीवन बीमा के नाम पर 16 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है पीड़ित के मोबाइल पर कई बार फोन आया कि वो अपने इंश्योरेंस को रिवाइव करवा ले और इसके एवज में कुछ किस्तें देनी होंगी और उनकी 65 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी कुछ किस्त देने के बाद मैच्योर हो जाएगी इसके चलते पीड़ित जगदीश उनके झांसे में आ गए और उन्होंने किस्तों का ये पैसा जमा करवाना शुरू कर दिया लेकिन जब मैच्योरिटी की डेट आगे निकली तो LIC के ऑफिस पहुँचे तो पता चला कि उनके अकाउंट में कोई पैसा जमा ही नहीं हुआ कॉल आया था कि आपकी LIC की पॉलिसी है जो बंद पड़ी है अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आपको कुछ पैसे जमा करवाने पड़ेंगे वो बुजुर्ग आदमी वो लालच में आ गया धीरे धीरे करके उन्होंने टोटल 16 लाख रुपए जमा करवा दी और उसके बाद उन व्यक्तियों ने मोबाइल नंबर बंद कर लिए और उनके साथ 16 लाख रुपए की ठगी हो गई उसके बाद उनकी इंक्वायरी की तो फेक ID पे नंबर है और वो अलग उसमें मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन जारी है जल्दी इनको गिरफ्तार करने के प्रयास फिलहाल मामले की लिखित शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है पंचकुला से मृणाल लाला इंडिया न्यूज हरियाणा और पलवल में बदमाश एक रेस्टोरेंट में लूट की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए और शिक्षा मंत्री कमलपाल गुर्जर ने कहा कि मनोहर सरकार ने पलवल में इन दिनों बदमाशों के हौसले बुलंद है बदमाश आए दिन वारदात की वजह से जनता ने एक बार फिर नकाबपोश बदमाशों ने पहले शहर में एक रेस्टोरेंट कहा कि हमारी सरकार हर क्षेत्र में विकास के लिए काम कर रही है छचरौली में कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट शिक्षा मंत्री चौधरी का फिलहाल पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है और पुलिस का दावा है कि लुटेरों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा पलवल से ऋषि भारद्वाज इंडिया न्यूज हरियाणा और सिरसा से खबर जहां एक हरियाणवी सिंगर पर कुछ अज्ञात युवकों द्वारा हमला करने का मामला सामने आया सिरसा में हरियाणवी सिंगर पर कुछ अज्ञात युवकों ने हमला कर दिया हरियाणवी गायक अपने साथियों के साथ कार्यक्रम की पेमेंट लेकर एलनाबाद से वापस सिरसा की तरफ आ रहा था तभी अचानक एक गाड़ी ने ओवरटेक करते हुए गाड़ी सवार युवकों ने उस पर हमला बोल दिया कल रात को हम सिरसा से घर जा रहे थे हमारे घर की साइड तो रास्ते में एक गाड़ी ने पीछा कर रही थी हमारा और फिर हमला कर दिया अचानक से क्या आपके साथ लूटपाट हुई है क्या क्या हाँ बिल्कुल वो कैश भी था और मतलब काफ़ी एक काफ़ी हद तक मान सम्मान को ठेस पहुंची है हाँ मतलब जो साथी हैं उनके साथ हुई है सबके साथ हुई है मैं इतना वो नहीं आ पाया उनके सीट में तो हुई है हमलावर कौन थे इसका खुलासा नहीं हुआ है फिलहाल पुलिस ने पीड़ित हरियाणवी सिंगर की शिकायत पर मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है सिरसा से अमर जानी इंडिया न्यूज हरियाणा और कैथल पुलिस ने पार्षद तृप्ति सचदेवा के भतीजे पर गोली चलाने और फिरौती मांगने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया कैथल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है पुलिस ने पार्षद तृप्ति सचदेवा के भतीजे पर गोली चलाने और फिरौती मांगने के मामले में खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने तीनों के पास से दो पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं मनीष कुमार ने अपने साथियों के साथ पुराना सत्संग भवन जिंद भाई पास के स्थल मौजूद थे कि मोटरसाइकिल तीन लड़के आए उनको सकी बना बिना काबू कर रोका और तलाशी लिए तो इनके पास से नजायज असलाह दो पिस्तौल और कारतूस बरामद हुए थे जो फिर उसके कहता से पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि 24/11 को एक फॉर्चुनर गाड़ी शिवलैंड इलाके में दीपक सचदेवा नाम की गाड़ी थी उसके ऊपर जो गोली चलाई थी उनमें ये तीनों गोली चलाने वाले थे और 25 तारीख को इन्होंने दीपक सचदेवा है
उससे फिरौती मांगी थी कि 20 लाख रुपये दो, वो उसमें भी ये तीनों इसी मामले में अभी पेश करने के लिए अदालत में गए हुए हैं, जो रिमांड पे लिए जाएंगे और जैसा और आगे होगा कार्रवाई। बताया जा रहा है कि तीनों आरोपी शॉर्टकट तरीके से अमीर बनना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने शहर के पार्षद तृप्ति सचदेवा के भतीजे दीपक सचदेवा की गाड़ी पर पहले तो गोली चलाई और उसके बाद अगले दिन व्हाट्सएप कॉल कर 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी। कैथल से मनोज मलिक, इंडिया न्यूज। और चार राज्यों के लिए सिरदर्द बने मोस्ट वांटेड पवन उर्फ तोतला को रोहतक सदर थाना पुलिस ने जिला कोर्ट में पेश किया है। चार राज्यों के लिए सरदर्द बने मोस्ट वांटेड पवन उर्फ तोतला को रोहतक सदर थाना पुलिस ने जिला कोर्ट में पेश किया, जहां उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 14 दिसंबर को होगी। उर्फ तोतला को अदालत में पेश किया गया है, जो जुडिशल लिखा है जुडिशल में भेज दिया गया है, जेल में छोड़ दिया जाएगा। क्या क्या आरोप है इसके? आरोप डकैती, मर्डर, काफी मुकदमे इसके ऊपर विभिन्न प्रकार के। अगली तारीख 14-12। आपको बता दें कि बदमाश पवन उर्फ तोतला पर 11 हत्या, लूटपाट और डकैती जैसे संगीन मामले दर्ज हैं और इसे एसआईटी की टीम ने 4 दिन पहले ही गिरफ्तार किया था। रोहतक से दीपक भारद्वाज, इंडिया न्यूज हरियाणा। और नीलोखेड़ी की दयानगर बस्ती में सीवरेज का पानी बहकर किसानों के खेतों में भर रहा है, जिससे किसान परेशान। नीलोखेड़ी के तरावड़ी कस्बे की दयानगर बस्ती में नगर पालिका प्रशासन और जन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही किसानों पर भारी पड़ रही है। किसानों का कहना है कि सीवरेज की सफाई न होने के चलते गंदा पानी बहकर उनके खेतों में जा रहा है, जिससे उनकी फसल बर्बाद हो रही है। वहीं नगर पालिका का सफाई दरोगा इसे जन स्वास्थ्य विभाग का काम बता रहा है। उन्होंने कहा कि ये बंद सीवरेज जन स्वास्थ्य विभाग का है, जिसकी सफाई करवाना उनका काम है। इधर नहर विभाग है, नाला है जो इरिगेशन का है, वो नहीं डालने देते, उधर खेत हैं और एक ये डिस्पोजल बनाया हुआ है हमने, उस डिस्पोजल का जो वो भी नहीं, हमारा बिल्कुल बहुत पुरानी हो चुकी है ये। दूसरा जो इसमें हमारे सीवर में डाला था तो सीवर वाले वो नहीं इसकी सफाई करते, ये पब्लिक हेल्थ का काम है। आए दिन इसी ये समस्या खड़ी रहती है और हमने लिखा हुआ भी है, सेक्टर साहब को भी लिख के दे रखा और उच्च अधिकारियों को भी लिख के दे रखा भी, इसका हमें समाधान करा जाए, क्योंकि ये सारा फिर नगर पालिका पे ही आता है इसका। किसान भी इसकी सूचना कई बार नगर पालिका प्रशासन और जन स्वास्थ्य विभाग को दे चुके हैं, लेकिन लगता है कि अधिकारियों को इनकी समस्या से कोई सरोकार नहीं है। नीलोखेड़ी से राजेंद्र कुमार, इंडिया न्यूज हरियाणा। और पानीपत की औद्योगिक नगरी में अतिक्रमण के कारण सड़कें लगातार सिकुड़ती जा रही हैं, जिससे शहरवासियों को आवाजाही में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पानीपत की औद्योगिक नगरी में अतिक्रमण के चलते रोड की चौड़ाई 80 फीट से सिमटकर 30 फीट रह गई है, जिस वजह से वाहन चालक और शहरवासियों को आवाजाही में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बाजार प्रधान ने बताया कि निगम की अनदेखी के चलते दुकानदार अतिक्रमण करने से बाज नहीं आ रहे, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। ये बाजार में जो अतिक्रमण हो रहा है, गलत हो रहा है। हमने बहुत बार समझाने की कोशिश की है, पीछे पिछले हफ्ते भी कह रहे 4-5 दिन पहले हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहे थे, लेकिन ये मानने नहीं है, ये मानते नहीं है। बल्कि नगर निगम एक बार आए थे, 2 बार ट्रॉली आई थी, उससे बहुत फर्क पड़ गया था कार्ड पर, उसके बाद फिर उन्होंने आना बंद कर दिया। हमने रिक्वेस्ट की थी, पीछे ऊपर बड़ी मीटिंग हुई थी स्काईलार्क में, फिर भी हमने कहा था, लेकिन वो कल आएंगे तो आए नहीं वो। वही नगर निगम ने अतिक्रमणकारियों पर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। शहर में बढ़ते अतिक्रमण को लेकर नगर निगम ने टीम गठित कर दी है। पानीपत से अनिल कुमार, इंडिया न्यूज हरियाणा। कहा कि मनोहर सरकार ने पूरे प्रदेश में बिना किसी भेदभाव, और दंगल गर्ल बबीता फोगाट आज विवेक की वजह से साथ फेरे लेने जा रही हैं। बबीता लाल जोड़े में सज गई हैं। बता दें कि बबीता फोगाट झज्जर जिले के गांव मातनहेल निवासी भारत केसरी पहलवान विवेक सुहाग के साथ शादी कर रही हैं। शादी पूरे साधारण रीति रिवाज और तमाम हिंदू रस्मों के साथ होगी। शादी में सिर्फ 21 बाराती ही आएंगे और साधारण तरीके से शादी का कार्यक्रम रहेगा। वहीं 2 दिसंबर को दोनों पक्षों की तरफ से दिल्ली में सेरेमनी कार्यक्रम रखा गया है। सेरेमनी में पीएम नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्रियों के अलावा सीएम मनोहर लाल सहित अनेक राजनेताओं, विदेशी पहलवानों और देसी पहलवानों को निमंत्रण दिया गया है।
दंगल गर्ल बबीता फोगाट जी हमारे साथ है। अभी तक मैट पर देखा था, कुश्ती के दंगल में देखा था, लेकिन आज नए लिबास में जो है बबीता फोगाट को देखा जा रहा है। बबीता जी सबसे पहले आपको बधाई, बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं इंडिया न्यूज परिवार की तरफ से, आईटीवी फाउंडेशन की तरफ से। क्या कहेंगे आप जो है आज इस नए रूप में, इस नए लिबास में? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि इतने साल मैं बाबुल के घर में पली बढ़ी और मेरे माता पिता के साथ रह के मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मैं आज इतनी बड़ी हो गई कि आज अपने घर से मैं मेरी डोली जा रही है। और मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच, मेरे मम्मी पापा को कहना चाहूँगी, मेरे परिवार को कहना चाहूँगी कि उन्होंने हमें इतने लाड प्यार से रखा, इतना मान सम्मान, इतना सब कुछ हमें दे दिया कि अब जिंदगी में हमें किसी भी चीज़ की अगर कभी भी कोई मुसीबत आई है तो हमेशा मेरे मम्मी पापा हमें सबसे पहले याद आएंगे। और मेरा परिवार जो हमें हमेशा इतना सपोर्ट करता था, सब लोगों को बहुत मिस करूँ। शादी सादे अंदाज में लेकिन शाही तरीके से तैयारियाँ, ड्रेस की बात करें, काफ़ी जो है कहाँ से डिज़ाइन करवाई, ड्रेस की बात करें, मेकअप आर्टिस्ट कहाँ के बुलाए? देखिए, मेरा जो लहंगा जो डिज़ाइन किया वो सभ्यसाची जी ने किया है, जो डिज़ाइनर हैं, और जो मेरा मेकअप आर्टिस्ट है वो मारियाना है, वो अर्मेनिया से आई है और उन्होंने मेरा मेकअप किया। आठवां फेरा बबीता फोगाट लेगी, इसके अलावा पौधारोपण भी करेगी। प्रदूषण के मद्देनजर स्मोक देखा गया था पिछले दिनों, उससे प्रभावित होकर कहीं ना कहीं माना जा सकता है प्रधानमंत्री की मुहिम भी रंग ला रही है, और आपको जो टिकट मिली थी वो भी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से मिली थी, इस तरह की चर्चाएं थी। क्या कहिएगा आठवें फेरे को लेकर, और जिस तरह से पौधारोपण भी करेगा जो है आपका ये दंपत्ति? देखिए, मैं यही कहूंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह मैं कहूंगी इलेक्शन के अंदर एक पिता की तरह उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और मेरी रैली को संबोधित करने के लिए आए, और तब भी उन्होंने इतना सम्मान इतना प्यार हमें दिया है, तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने वहाँ पर खड़े होकर मुझे एक पिता की तरह सहारा मुझे दिया और आशीर्वाद दिया। और आज मुझे फिर वही मुझे अब एक अपनी पिता की मैं कहूंगी कि मुझे फीलिंग आ रही है एक दुल्हन की तरह, और जब बेटी अपने बाप को जिसकी मर्जी उस माँ बाप का दिल जो है वो बहुत मुझे लगता है पत्थर रख के अपनी बेटी को घर से बाहर भेजते हैं, किसी के घर में भेजते हैं। गेम की बात मैं करूँ तो गेम, क्योंकि मेरे काफी दिन से मुझे इंजरी है बहुत नीज में और मैं रिहैब पे हूँ, और काफी इंजरी जो है वो काफी सीरियस जिम्मेदारी, मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, अगर ठीक हुई तो मैं जल्दी मैं वापसी करूंगी। और पॉलिटिक्स तो देखिए, आई हूँ तो मैं पीछे हटने वाली नहीं, जिस मकसद से मैं आई हूँ वो मकसद पूरा करके ही मैं रहूँ, हल्के के लोगों के बीच में, बिल्कुल हल्के के लोगों के बीच में और अपने लोगों के बीच में रहूंगी और उनके हर सुख दुख में उनके साथ खड़ी रहूंगी और उनके बीच में रहूं। चलिए बबीता, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बबीता फोगाट जिनका साफ तौर पर कहना है कि राजनीति में आई हैं तो सेवा के लिए आई हैं, और काफी भावुक भी दिखाई दी हैं, जिस तरह से लगातार जो तैयारियां भी हमने देखी थी, बाहर से जो डिजाइनर बुलाए गए थे बाहर से, हालांकि सादे अंदाज में हरियाणवी रीति रिवाजों को देखते हुए जो है शादी की जा रही है। और एक बड़ी बात, प्रदूषण के मद्देनजर प्रदूषण की रोकथाम के लिए जो है पौधारोपण का भी ऐलान किया गया है। महावीर फोगाट जी से हमने बात की थी, उनका भी यही कहना था कि जो है पौधारोपण करवाया जाएगा विवेक सुहाग और बबीता फोगाट से, और आगे ससुराल में भी जो है बबीता फोगाट पौधे लगाएगी। दहेज विहीन दहेज रही जो है शादी की जा रही है। थाना प्रशासन सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। और वहीं गीता महोत्सव में विश्व प्रसिद्ध जादूगर शंकर सम्राट 10 दिसंबर तक अपने जादुई कार्यक्रम दिखाएंगे। जादूगर सम्राट शंकर का ये शो फ्री होगा। चलते चलते रिपोर्ट देखिए। इसको ऐसे करते हैं, अब इसको ऐसे ऐसे करते जाएंगे, ऐसे करते जाएंगे, इससे क्या? ये बहुत बड़ी फाइन आर्ट है, काफी लोग इसमें बाद में मेरे को मिलेंगे, ये जरूर कहेंगे ये मैंने आर्ट जरूर सीखा। मीडिया सेंटर में पत्रकारों से रूबरू हुए जादूगर शंकर सम्राट ने जादुई करतब भी दिखाए, एक नोट से कई नोट और अंगूठी से राख निकाल दी। जैसे मान लिया अंगूठी है, अब इसको ऐसे ऐसे करते हैं, इसमें बहुत ही निकला। आपके लिए गीता महोत्सव में विश्व प्रसिद्ध जादूगर शंकर सम्राट 10 दिसंबर तक अपने जादुई कार्यक्रम दिखाएंगे। जादूगर सम्राट शंकर का ये शो फ्री होगा। इस शो में गीता और महाभारत पर आधारित जादुई आइटम भी दिखाए जाएंगे। अब तक
28,000 जादुई कार्यक्रम कर चुके शंकर सम्राट विश्व के कई देशों में अपनी कला का लोहा मनवा चुके हैं और अब गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में इनका शो होना है। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा।